प्रेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री निर्वेश सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रवाह समिति के साथ साथ शकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बात ही परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नाम की घोषणा कर रहा हूँ जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन में गुणायतन परिवर्तन का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती उषा जी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी गाजियाबाद। मैं चाहूँगा नामों की घोषणा हो रही तो ताली बजा के आप सम्मान करेंगे। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन स्तंभ से ट्रस्टी जो ऑनलाइन जुड़े हैं श्रीमती सुधा जी धनपत्नी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी विश्वकुट वाला परिवार विदिशा जोरदार तरीके सम्मान करें। और आइए चलते हैं मैं मंच पे उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने निर्माण सारथी और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सीए कुमारी शलोनी जैन सीए बनने के उपलक्ष्य पर अखिलेश ममता समृद्धि शैली जैन मैयर सतना इन्होंने गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। उपस्थित हो तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कृत्य गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अभी मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी स्वर्गीय गुणमाला स्वर्गीय राकेश जी रजनी जी मुकेश जी मधु जी रचित जी नम्रता जी प्रचित मिला मिताली जी प्रिंस प्रियांशी जी पलाश जैन नंदानगर इंदौर वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कृत्य गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रम संरक्षक श्रीमान अशोक जी दोषी और हर्ष जी आएंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हम इनका सम्मान बाद में करेंगे अभी इनके परिवार के सदस्य नहीं आए हैं। सूत्रधार के रूप में श्रीमती लक्ष्मी लाल जी पुष्पा जी कोठारी वीरेंद्र सुषमा जी प्रवीण टीना जी श्रीमती शुर जी सुश्री वंशी जी निहान साय सार्थक कोठारी सुश्री जवनी जैन एवं समस्त कोठारी परिवार बांसवाड़ा जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे अशोक जी दोषी और हर्ष जी आएंगे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और मैं चाहूँ आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए संघ का समाधान का कार्यक्रम का आनंद हम और आप लें। आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे बोले परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज के गुरुवर के चरणों में। हाँ अपन चले आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें जो आज गुणायतन से जुड़े हैं और शिरोमणि संरक्षक धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष उनका स्वागत अभिनंदन और साथ में महामंत्री जी हर्ष हर्ष इस तरफ और मैं चाहूंगा आज का प्रथम प्रश्न भी ये लोग यहीं से कर ले ताकि हाँ पुष्पा जी लक्ष्मी जी लाल जी कोठारी कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती श्वेता सचिन उद्योगपति ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु बरुण बांसवाड़ा से लक्ष्मीलाल कोठारी कॉमर्शियल कॉलोनी से आपको नमस्तु। मेरे जीवन के कर्णधार मेरे जीवन को बनाने वाले एक बार आपको पुनः नमस्तु नमस्तु नमस्तु।
महाराज जी, जब चलना कठिन होता है तभी जुझारू लोग चलते रहते हैं, जब सड़क खराब हो तो जुझारू लोग आगे आते हैं, वे जीतते हैं, वे डटे रहते हैं, वे शिखर पर पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, क्या मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं? मार्गदर्शन प्रदान करें। बिल्कुल, ये अनुभूत सत्य है, मुश्किलें हारती है, संघर्ष जीतता है। और जो संघर्ष करते हैं उत्कर्ष उनका ही होता है, इसलिए जीवन में उत्कर्ष चाहिए तो सतत संघर्ष करने के लिए तत्पर रहे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु श्रीमती श्वेता सचिन जी उद्योगपति। नमोस्तु महाराज श्री। और उसके बाद में तैयार रहेंगे। एक सवाल और दे दो। एक प्रश्न और कर रहे हैं पुष्पा जी का परिवार। हाँ। और उसके बाद में आगे सुनील राणा जी डालटनगंज ने अपने परिवार के साथ में तैयार रहेंगे यहाँ पर उपस्थित। मुनि भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रभु भगवान, मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 साल पहले हम धर्म के स्वरूप को नहीं जानते थे और अब हम धीरे धीरे धर्म के स्वरूप को जानने लगे, परिणामों में विशुद्धि आने लगी है। तो जो पहले जो पाप कर्म हुए हैं उसका फल जो बंद हुआ है, पाप कर्मों का बंद हुआ है, उसमें कोई निर्जरा हो सकती है क्या? होती है क्या? हो गया उसको भूल जाओ, जो करना हो उसे याद रखो। अगर करने की बात को याद रखोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। सचिन उद्योगपति। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील राणा डालटनगंज ट्रस्टी चुनाइतन। और उनके सम्मान के लिए राकेश रजनी जी गोदा शिरोमणि संरक्षक चुनाइतन तैयार रहेंगे। वे बाद में अभी बैठे। हाँ बोलो सचिन। बोलो सुनील जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आपके इंदौर आने से पूरा इंदौर धर्ममय हो गया है। गुरुदेव, मेरे को एक शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी मेरी शुगर 250 के आसपास थी, पर भावना योग करने से 125 हो गई है महाराज श्री। और सारे डॉक्टरों ने इंसुलिन प्लान कर दिया था एडमिट करने का, पर महाराज श्री मैंने आपकी शंका ये भावना योग किया, एक महीने तक काफ़ी फर्क पड़ा है मुझे। महाराज श्री शाम को भी कर सकते भावना? बिल्कुल, दिन में 3 बार करो और ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत सुंदर गुरुदेव। लगभग 250 शुगर थी और डॉक्टर ने बोला था कि इंसुलिन लगाना पड़ेगी, पहले दवाई में थी तो इंसुलिन लगाना पड़ेगी। भावना योग किया जब अपना यहाँ पे कैंप लगा था 3-4 दिन का, और जब से आधा घंटे की कर रही है लेकिन मेंटेन है, करीब 120-125 के करीब शुगर आ गई है। फुल एपिसोड 90 दिन तक करिए, देखिए क्या चमत्कार जी। बहुत महाराज श्री एक क्वेश्चन और करना है। मेरे को बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने ऑपरेट करने का ही बोल दिया है, रीढ़ की हड्डी है ये। महाराज जी कैसे ठीक होएगा आपको जिसका? थोड़ा भावना योग करो, वजन घटा लो, संभवतः वो भी ठीक हो जाए। नमस्ते। ओ हाँ, अपने बीच में सुनील जी रारा डाल्टनगंज से ट्रस्टी बनाए थे और उनका सम्मान करने राकेश रजनी गोदा परम पूज गुरुदेव के चरणों में। उसके बाद में तैयार बाबा जी। नमोस्तु गुरु जी। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अपने इस जीवन के विपरीत परिस्थिति में सदाबहार प्रश्न और हम शांत बनाए रखने के लिए क्या करें, ताकि हमें किस चीज़ों का इग्नोर करना पड़े ताकि नकारात्मक प्रतिक्रिया कम हो, क्योंकि आज ही बोल रहे थे कि मृत्यु का बंद हर समय हर पल हो रहा है, तो क्या करें कि? ओ देखिए, अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने के लिए हम क्या करें? तो जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने के लिए अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित कीजिए। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो हर स्थिति में अनुकूलता का अनुभव और एहसास करता है, पहली बात। दूसरी बात, मन में पेशेंस रखिए। पेशेंस ही तो नहीं रहता हमारा चीज़। तो अगर सोच की सकारात्मकता आएगी तो धीरज आए, और धीरज को बढ़ाने के लिए नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग का बड़ा प्रगाढ़ प्रभाव पड़ता है और ये हमारे जीवन में व्यापक बदलाव। गुरु जी अभी जैसे आ रहे थे, जैसे अपन किसी के साथ होता है कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, अपन सॉरी बोल देते हैं तो आपस का मैत्री हो जाता है, लेकिन ये डॉक्टर ये सॉरी कहता है तो अनर्थ हो जाता है। अगर डॉक्टर इसी शब्द को बोलता है तो शब्द का इतना परिवर्तन क्या हो जाता है? बस समझ लो, शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, शब्द से जुड़े संदर्भ ही उसका अर्थ प्रकट कर। ओ आज अपने बीच में भोपाल से डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर गोरवी जी जो शिरोमणि संरक्षक हैं,
वे यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करते हैं और चाहूंगा दिलीप जी गोदा उपाध्यक्ष और अपने नवीन जी गोदा वे भी आ जाएं और हाँ महिला रानी रानी जी दोषी आ जाएं वे भी आ जाएं और साथ में उनका स्वागत अभिनंदन। ये भी सब शिरोमणि संरक्षक ही हैं, स्वागत करने वाले भी सब तीनों शिरोमणि हैं और स्वागत जिनका हो रहा है वे भी शिरोमणि, इसलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जी जैन सतना अपने बीच में आज उपस्थित हैं। ओ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। जब हमारा विपरीत समय आता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों का बहुत प्रभाव बताया है, क्या जैन धर्म में भी इनका प्रभाव है और अगर है तो हमें मार्गदर्शन कीजिए। दस लक्षण के दिनों में हमने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला था, आपने सुना होगा जी। देखिए नवग्रह हमारा कुछ भी बनाते बिगाड़ते नहीं है, ये केवल एक प्रतीक है। हमारे जीवन का शुभाशुभ हमारे शुभाशुभ कर्मों पर निर्भर करता है जी महाराज। तो जब हमारा शुभाशुभ कर्म जिस रूप में हमसे जुड़ता है हमारा जीवन वैसा बनता है। अभी नवग्रह क्या है आपने पूछा है, आज मैं पुनः इस पर प्रकाश डाल देता हूँ क्योंकि इस विषय में लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों का निवारण होना चाहिए। ब्रह्मांड में जो तत्व है वही तत्व हमारे शरीर में, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसे एक बाहर संसार है वैसा एक भीतर संसार। और जो ब्रह्मांड के तत्व हैं वे सौर ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, सौर मंडल से प्रभावित होते हैं क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है। और ये जितने भी सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र हैं उपग्रह हैं ये सतत भ्रमणशील रहते हैं, ये भ्रमण करते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है इनकी रफ्तार से होता है, अपने अपने तरीके से होता है। पर इनके मूवमेंट से ब्रह्मांड के तत्वों का जो समीकरण है वो चेंज हो जाता है, केमिस्ट्री बदल जाती है। अब ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आने से हमारे शरीर के तत्वों के साथ उनका तालमेल बिगड़ जाता है, उससे हमारे शरीर के रसायन भी प्रभावित होते हैं। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि कौन सा व्यक्ति कब जन्मा, किस परिस्थिति में जन्मा, जिस समय जन्म लिया उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र किस लाइन में था, किस स्थान पे था, उसके आधार पर उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति के शरीर में किन तत्वों की प्रधानता होगी और वो मूवमेंट जैसे जैसे होगा रसायन भी वैसे वैसे बदलेंगे और वो रसायन बदलेंगे तो इधर से उसका तालमेल बनेगा बदलेगा। और जब हमारे शरीर के रसायनों का सामंजस्य बदलता है तो हमारे कर्म और आत्मा का भी एक रासायनिक संबंध है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो उससे हमारे कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो हमारे भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं तो उसका परिणाम भी बदलता है, शुभ अशुभ होने लगता है। तो ज्ञानियों ने इसको पकड़ा कि ये एक बहुत बड़ा तत्व है, इसको हम पकड़ लें और इसके आधार पर विश्लेषण करें तो बहुत कुछ फलित हो सकता है। तो उनने उनको पकड़ करके एक गोचर बनाया, वो एक संकेत है और उसके आधार पर ये बता दिया कि ये व्यक्ति है, अभी ये ग्रह है, इसके लिए इसके इसका प्रभाव है। आप देखते हैं महादशा विंशोत्तरी क्रम में महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आदि की निकाली जाती है और उन सबका टाइम रहता है, इतने तारीख से ये दशा, इतने तारीख से ये दशा, इतने तारीख से ये दशा। तो वो हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो मूव कर रहे हैं अपने स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार मूव हो रहे हैं। लेकिन उनके मूवमेंट से हमारे शरीर के तत्वों में जो परिवर्तन है उससे हमारे कर्मों में परिवर्तन है और कर्मों के उस परिवर्तन का परिणाम के परिणाम से हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होता है। समझ गया?
तो उसके लिए हम क्या करें? उन ग्रहों को मत पूजिए जी महाराज जी, अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए। अब लोगों ने ग्रहों को पूजना शुरू कर दी जी, और हम तो ऐसे भी लोगों को जानते जो ग्रह नक्षत्र के पूजक थे, बड़े बड़े ग्रहों के मंदिर बनाए, वो ही शिक्षों के अंदर गए। नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं जी, नहीं बोलूं जी महाराज जी। तो उनका ग्रह कहाँ चला गया? मैं आप सबसे कहता हूँ, ग्रह मत उतारो, परिग्रह उतारो, आनंद में रहोगे। नमस्ते महाराज जी। विशुद्धि बढ़ाओ। और ज्योतिष शास्त्र खुद कहता है जब तीव्र स्थितियां होती है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। हम अपनी आध्यात्मिक साधना से प्रारब्ध में किंचित परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कर ही ले, कोई नियम नहीं है। इसी को बोलते हैं होनहार। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, उससे हम चीजों को जाने, जानना बुरा नहीं है, लेकिन जानने के साथ उसके निवारण में टोटकेबाजी से बचे, ठट कर्मों से बचे। आज वो बहुत बढ़ गया। आध्यात्मिक साधना, पूजा, प्रार्थना, उपासना करे, जिससे अपनी भाव विशुद्धि से बाहरी प्रभाव को किंचित कम किया जा सके। अब बहुत लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, परिस्थितियां गड़बड़ाती है, तो इस पंडित के पास जाओ, उस पंडित के पास जाओ, इस ज्योतिषी के पास जाओ, उस ज्योतिषी के पास जाओ, ये नक पहनो, वो नक पहनो, ये करो, वो करो, सारी दुनियादारी, उसके बाद भी वही हाल होता है जो होता है। तो भैया, इतना सब चक्कर लगाने की जगह आध्यात्मिकता को आत्मसात करो और जीवन का पथ प्रशस्त करो, तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। बाकी चीजें कहीं नहीं रह पाएगी। एक घटना सुना दूं? जी जी महाराज जी। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, इसे हटा दो। एक पत्रिका निकलती थी दैनिक भास्कर की, इस समूह से शायद आज भी निकलती होगी, आहा जिंदगी। जी महाराज जी। 2003 या 4 में उसका एक अंक था। पहले मैं उसका नियमित पाठक था, 4-5 साल मैंने उसे नियमित पढ़ा। उसका एक अंक था ज्योतिष अंक, उसमें एक बड़ा प्रच्छा प्रसंग लिखा था कि अलवर के राजा को, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एम्पायर ऑफ इंडिया नाम का एक खिताब देती थी। किसी ने कह दिया कि मुंबई का एक बड़ा ज्योतिषी है, वो आप उससे पूछो कि आपको ये खिताब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा ने कहा ठीक है, उसको बुला। स्पेशल सैलून से आया, सैलून समझते हैं ना, ट्रेन का एक स्पेशल कोच होता है, उससे वो आया। बड़ा महंगा था उस समय वो। अब वो सोचा कि मैं राजा का फलित बताने के लिए आया हूं, राज की अतिथि बनकर आया हूं, तो अलग ही ठाट रहेगा। रेलवे स्टेशन पर आया, कोई लेने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। अब पता पूछते पूछते राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका जब परिचय जाना, बोले यहां क्यों आए? बोले आपका भविष्य बताने। यहां क्यों आए? बोले आपका भविष्य बताने। बोले मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं, इसे जेल में डाल दो। उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद राजा भ्रमण के लिए गुजरा। उसने कहा मेरा क्या अपराध, मुझे तो आपके बुलाने से ही मैं यहां आया था, मुझे तो आपका भविष्य बताना था। बोले बंधु, तू मेरा भविष्य बताने आया, अपना भविष्य क्यों नहीं जान पाया कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है? काश अपना भविष्य देख सकता। मैं इन सब विषयों के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा, ज्योतिष मानो मैं भी मानता हूं, पर ज्योतिष को ही सब कुछ मत मानो। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज आपका ज्योतिष पर विश्वास है?
मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? आज के दौर में ऐसा कोई ज्योतिषी दिखता ही नहीं जिसका प्रेडिक्शन 100% सही हो। 60% अगर सही निकल गया तो बहुत है। पास्ट को बताने वाले बहुत मिल जाएंगे कर्ण पिशाचिनी वाले, पर जो भविष्य जानने गए उसे बताने वाले बहुत कम। और ऐसा तो कोई भी ज्योतिषी एक माला डाल लो गले में और बैठो कॉमन बातें बताओ 40-50% तो तुम्हारी भी तुक्का में निकल जाएगी सही। इसलिए इन सब बातों से ज्यादा वास्ता मत रखो, अशुभ को शुभ में खपाने की कोशिश करो। समझ गए? ज्योतिषी लोग मनुष्य नाराज हो जाएंगे कि महाराज हमारी दुकानदारी बंद करा रहे। मैं किसी की दुकानदारी बंद नहीं करता। ज्योतिष से परामर्श लीजिए भी तो उसी ज्योतिषी से लीजिए जो आपके मनोबल को ऊंचा करे। ज्यादातर ज्योतिषी आपका मनोबल तोड़ देते हैं फिर अपनी मुट्ठी में लेते हैं, और आप उनकी ग्रिप में तभी आएंगे जब आपका मनोबल टूटेगा। आपको इनकरेज करे, चिंता मुक्त करे और सही मार्गदर्शन दे, आध्यात्मिक सत परामर्श दे, तो सच्चे अर्थों में वो हिताकांक्षी कहलाएगा, अन्यथा टोटकेबाज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में आज देश के सुप्रख्यात विद्वान पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री जी के सुपुत्र यहाँ पर सपत्नी उपस्थित सिद्धार्थ जी जैन सतना जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें, और उनके सम्मान के लिए इस पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटो जी वे आ जाएं और उनका वहीं पर सम्मान कर दें। चंदन वाला जी अभी आ जाएं, मुकेश चंदन वाला पाटो जी दोनों आ जाएं और वे सम्मान यहाँ कर देंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल वाराणसी। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुवर, अभी बैठा बैठा देख रहा था, सामने कैमरा चल रहा, और कैमरे के सामने से कोई निकल जाता है तो उसमें एक धब्बा आ जाता काला, वो री उसको डिलीट या कट कटवट ना करो। तो इसी प्रकार कितने बार हमने ऐसा किया होगा कि 5-5 हजार की जनता बैठी उसके सामने से बीच में निकल गए, गुरुदेव के दर्शन 2 सेकंड के लिए बाधित कर दिए। कितने बार शांति धारा के सामने से निकल गए और जब पीछे जनता देख रही थी वो हमें देखने लगी और भगवान के दर्शन बाधित हो गए। तो ये तो कट करके और डिलीट करके निकाला जा सकता है, जो हमने इस प्रकार के दुष्कर्म किए ये कैसे निकलेंगे गुरुदेव? ओ देखिए, बात बिल्कुल सही है। यदि हमने किसी बाह्य पदार्थ कोई आग लगाया तो उसे बहुत आसानी से अलग किया जा सकता, लेकिन अंतरात्मा में लगे हुए दाग को साफ करने के लिए बड़े जतन की आवश्यकता, तो हमें जतन पूर्वक उस दाग को साफ करना है। और हमारी साधना का मूलभूत प्रयोजन भी वही जतन है। अपनी चेतना को जगाएं, भाव विशुद्धि हमारे सारे दागों को दूर कर देगी, यही तो कर्म निद्रा का आधार। इसलिए उस भाव विशुद्धि को जगाना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार सिद्धार्थ जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये एक बहुत अच्छे सुश्रावक और बैया वृत्ति में निपुण निष्णात और दक्ष हैं, अनुभवी हैं। इन्होंने सैकड़ों लोगों की उत्तम संलेखनाएँ कराई है और आज भी इनके मार्गदर्शन में कई लोगों की संलेखना हो रही है, होती है। ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल वाराणसी, और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ। हाँ, उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ अविनाश जी प्रवक्ता विदिशा और हर्ष तृप्ति जैन
वे भी आ जाएं और उनका वहीं पर सम्मान कर दें पूरे परिवार का, डॉक्टर वी संजय अग्रवाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रभा कांजी जैन, रुचि जैन, सब परिवार अपने बीच में दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं आज NCR से, वे अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, पुराणों में तो कंदोदक की महिमा का अचिंत वर्णन है ही, परंतु साक्षात आपके मुखारविंद से कई बार प्रवचनों में एक ब्रह्मचारी जी शिखर जी के जिन पाद का अभिषेक करके और उससे प्राप्त गंधोदक से सफ़ेद दाग के चकत्ते, अनेकों चकत्ते गायब हो गए। गुरुवर, मैं स्वयं चल स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि विश्व में कहीं भी सफ़ेद चकत्ते की कोई संपूर्ण रूप से समाप्त करने की कोई औषधि अभी तक तैयार नहीं है। दलित कुष्ठ जो श्रीपाल को हुआ था उसकी तो काफ़ी कुछ आज के मॉडर्न साइंस में दवाएं हो भी गई हैं, परंतु ये सफ़ेद कुष्ठ जो वास्तविक कुष्ठ नहीं है और जिसको सामाजिक रूप से गलत माना जाता है, कुष्ठ माना जाता है, उसकी कोई दवा नहीं है। आपके मुखारविंद से ये असंभव संभव हुआ गंधोदक की महिमा से। मेरा प्रश्न ये है, ये गंधोदक की महिमा क्या आदिश्वर स्वामी प्रथम तीर्थंकर ने, ऐसा सुनने में मुझे आया है, मैं जनमानस में ये प्रश्न है कि भरत स्वामी समोसण में जाके आदिनाथ स्वामी से प्रश्न किए थे अपने कष्ट निवारण के लिए, तो आदि प्रभु ने कहा कि तुम अष्टापद पे जाकर जिन प्रतिमाओं का अभिषेक कर प्राप्त गंधोदक से अपने कष्ट का निवारण करो, भरत ने कहा। तो गुरुवर, आपका इस पर क्या मंतव्य है, ये मैं पूछना चाहूँगा। भगवान के अभिषेक और गंधोदक का प्रताप है, इसमें कोई संशय नहीं। पुराणों में भी है और मैंने तो प्रैक्टिकल देखा। एक महिला जो भयानक एक्सीडेंट के कारण कोमा में आ गई थी और उनके परिवार ने नियमित शांति धारा करके उनका गंधोदक लगाया, आज वो सही सलामत है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। तो जब ये मेडिकल साइंस नहीं मानेगा, लेकिन इस तरह का मिराकल होता है, चमत्कार होता है। आज ही सुबह एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज श्री, अगर वो बैठा हो तो खड़े हो जाएंगे, यहाँ हो तो। उसके पेट में माने पत्नी के लिए बच्चा था और उसके लिए डॉक्टरों ने बता दिया हार्ट बीट नहीं है, ये बच्चे के नहीं, इसकी सफाई करा। उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, उसे स्वाभाविक रूप से जन्म दे और भावना योग करो। उसने भावना योग किया, आज सुबह सुबह मुझे बता के गया, महाराज नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और डॉक्टर कह रहा है ये मिराकल है। तो कई चीजें ऐसी, मैंने कहा देख सबसे बड़ा, तू कितने बड़े पाप से बच गया, कितने बड़े पाप से बच गया। डॉक्टर ने तो कहा था सफाई करा दो, मैंने मार डालते तुम। मैंने कहा अवसर तो मिला, जब तक आयु रहेगा। कई अनुभव है जो तर्क नहीं, जो प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है, उसके लिए तर्क की जरूरत क्या, समझ गया। जहां तक भरत चक्रवर्ती के लिए भगवान ऋषभदेव के द्वारा कहने की बात सुसंगत नहीं है, मेरे स्मरण के अनुसार पुराणों में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। हाँ, भरत चक्रवर्ती ने जब अशुभ स्वप्ने देखे तो उसका मन उद्विग्न हुआ और अपने मन की उद्विग्नता को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान का अभिषेक शांति किया और
पात्र दान दिया जो इस बात का प्रमाण है, शांति धारा करने से शांति हो। अगला, हाँ अगला नाम रुचि प्रभाकांत जी जैन इंद्रपुरम दिल्ली एनसीआर से, और इनके भी स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। छात्रमास के अध्यक्ष आज हैं और वे उनका वहीं पर पूरे परिवार के साथ आज हैं, पूरे परिवार का स्वागत कर दें। रानी दोषी चंदन बालाजी भी आ जाए, मुकेश पाठक जी भी आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आपका ये के लाइन लिखा हुआ है कि अशुभ समय जितने समय के लिए टले उतना शुभ है, तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि अशुभ समय क्या है और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। नमोस्तु गुरु। देखो अशुभ समय क्या है, जब हमारे मन के विरुद्ध चीजें होने लगे, जीवन में कुछ अटपटा घटने लगे, समझ लो अभी अशुभ समय आ गया। मन अशांत उद्विग्न बेचैन परेशान, ये समझ लो अशुभ है। कष्ट संकट आए समझ लो अशुभ है। और ऐसे अशुभ समय को टाल दो जितना हो, जब अशुभ समय हो तो उस समय शुभ प्रसंग को अपनाना शुरू कर दो, अशुभ समय अपने आप टल जाएगा और उसको आप जितना टालोगे उतना शुभ हो। नमोस्तु गुरुदेव। ओ नरेश जी पेटर पांड्या पेटरवार से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और सम्मान वहीं पर मोनू जी राजकुमारी जी काला वहीं पर सम्मान कर दें उनका, जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा में उच्चलग्य महाराज, हुंडा अवसर काल होने के कारण से आदिनाथ, हुंडा अवसर काल होने से आदिनाथ भगवान कैलाश गिरी से निर्वाण प्राप्त हुए और हमारे बीस तीर्थंकर सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त किए, तो ये क्या वही कैलाश गिरी है जो हमारा आज क्षुद्र पर्वत कहलाता है सम्यक शिखर? देखिए सम्यक शिखर के विषय में तो ये कहा जाता यही, लेकिन कैलाश पर्वत के विषय में भी यही कहा जाता है। और एक बाबा लामची दास जी हुए, उन्होंने मेरी कैलाश यात्रा नाम से एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के तथ्यों से ऐसा लगता है कि लामची दास ने जिस कैलाश का वर्णन किया वही है जो शास्त्रों, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान का ये जो कैलाश पर्वत है कभी भगवान ऋषभ देव की निर्माण स्थली रहा। मैं चाहूँगा आज अपने बीच मोनू संगीता जी काला जो महाराज श्री के गृहस्थ अवस्था के भ्राता और उनकी बहू है, उनका सम्मान भी कमेटी के द्वारा होना चाहिए और वो अपना सवाल भी करेंगे। वहीं कर लीजिए, हाँ सवाल भी करो और उसके बाद तैयार होंगे। संतोष नमोस्तु महाराज जी, बामोरा मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी रोग और राग दोनों ही हमें कष्ट देते हैं, रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है किंतु राग को कैसे कम किया जा सकता है, और राग तथा अनुराग में क्या अंतर है महाराज जी? रोग और राग दोनों कष्ट देते हैं, रोग को दवाई से ठीक कर सकते हैं, राग को कैसे ठीक करें? रोग से भी खतरनाक रोग राग है, रोग तो एक जीवन को खराब करता है, राग भवभव को खराब करता है। जैसे रोग के लिए दवाई है वैसे ही राग को मिटाने के लिए भी दवाई है। राग को मिटाने के लिए हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना है, अगर हम तत्व ज्ञान का आश्रय लेंगे तो हमारा राग अपने आप मिट जाएगा। तो जीवन के मर्म को समझे, तत्व ज्ञान को अपनाने की कोशिश करें, राग समूलतः समाप्त हो सकेगा। और राग और अनुराग में क्या अंतर है? राग विषयों के प्रति होता है, अनुराग धर्म और धर्मी से होता है। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में मंडी बामोरा महिला मंडल की अध्यक्षा निर्मला जी और संतोष जी यहाँ पर हैं, मंडी बामोरा जी वे अपना प्रश्न करें और सुब्रा जैन दमो तैयार रहे। परम श्रद्धे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, संदान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अभी 3 महीने पहले इनके हाथ में पैरालिश हो गया था, तो महाराज श्री डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 महीने तक दवाई खाना पड़ेगी, भोपाल दिखाया, फिर हमको मन में आया कि दवाई तो हम बाद में लेंगे, पहले महाराज श्री के पास चलेंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। तो महाराज श्री ने ऐसा आशीर्वाद दिया, कहा कि भावना योग करो 5 मिनट का,
हमने कहा महाराज श्री हाथ में तो बहुत सूजन है, कैसे हाथ जोड़ पाएंगे? तो महाराज श्री ने कहा नहीं, 5 मिनट तक करिए बस, जो 5 मिनट तक भावना योग की महाराज श्री, और 2 दिन में जो 3 महीने की दवाई दी थी वो 2 दिन में ही ठीक हो गया हाथ। ऐसा चमत्कार है गुरुवार, आपके चरणों में जीवन भर ऋणी रहूंगी, पता नहीं पूरा धड़ भी रह जाता तो हम क्या करते, पर आपकी जो श्रद्धा थी वो अभी सामने है कि 2 दिन दवाई खाने से नहीं, मात्र 2 दिन भावना करने से ही ठीक हो गया। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम श्रद्धे गुरुवर, जब विदिशा में चारों प्रतिमाओं का लंदन ले जाने का था, तब वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे तो सारे जो लोग थे उन लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए और कहा कि जो वहाँ पर महाराज श्री हैं उनने, तीनों महाराज जी ने इसमें सूर्य मंत्र दिया है, तो वो बोलने लगे पुलिस वाले सूर्य मंत्र क्या होता है। फिर उन्होंने कहा आप हमको भगवान जी के दर्शन कराइए, तो विजय भैया जी भी थे, 2 प्रतिमा इनके हाथ में दी, 2 विजय भैया जी के हाथ में थी, तो उनने दोनों प्रतिमा चारों प्रतिमाओं को दर्शन करके और कुछ भी नहीं कहा और बोले इनको जाने दो, कुछ भी नहीं देखना इनका। तो वहाँ पर कुछ भी हम लोगों का चेकिंग भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया महाराज श्री, ये प्रतिमाओं का और आपके सूर्य मंत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ा महाराज। बहुत सुंदर, ये भक्ति का प्रताप है। चलिए आगे सुब्रा जी जैन दमो, वे अपना प्रश्न रखें, और आज अपने बीच में अग्निबाण पेपर से सुनील जी जैन है, वे भी अपना प्रश्न रखेंगे यदि यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर आ जाए। मुनीश संघ के चरणों में नमन। हे गुरुदेव, 1940 के दशक में हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई कि परंपरा और रूढ़ी में एक बहुत बारीक अंतर है कि परंपरा जो है वो व्यक्ति के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। परंपरा अर्जित किया सत्य है और रूढ़ी वो है जो हमें दी गई है। आज 60 सालों के उपरांत भी जब मैं, जो मेरी समझ है कि परंपरा और रूढ़ी का जो अंतर है वो और इतना बारीक हो गया है कि परंपरा को तो हम आधुनिकता का लबादा उड़ाकर विस्मृत करते जा रहे हैं, और जो रूढ़ियाँ हैं वो कुरीति का रूप लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि परंपरा और रूढ़ी के अंतर को हम कैसे समझें, और जब हम किसी कैसे हम ये तय करें कि ये परंपरा हमें आगे बढ़ानी है कि ये रूढ़ी है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है, पहला वाक्य आप फिर से दोहराइएगा। परंपरा, परंपरा मनुष्य के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। बहुत सुंदर। परंपरा मनुष्य के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है, और ये बहुत ही यथार्थ सत्य है, और हमें इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक रूढ़ी की बात है, रूढ़ी हमारा पतन कराती है, पर आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि आधुनिकता के नाम पर हमने परंपराओं की उपेक्षा की और रूढ़ियों का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। आपने रूढ़ियों को कुरीति के रूप में कहा, आज तो मैं फैशन को भी रूढ़ी के रूप में देखता। मैं तब बड़ा अचंभित रह जाता हूं जब आज के पढ़े लिखे युवक युवतियों को फटे कपड़े पहनते देखता हूं। ये परंपरा तो नहीं है, ये आधुनिकता के अंधानुकरण का कुफल है ना? आधुनिकता के अंधानुकरण का कुफल, और लोग उसके औचित्य का विचार किए बिना कुछ भी काम कर लेते। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि हमें रूढ़िवादी नहीं बनना, पर मुझे दिखता आज के जमाने में जितने लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और मानते हैं ना, वे तथा कथित मॉडर्न लोग ज्यादा रूढ़िवादी। एक एक्टर ने एक्ट्रेस ने कोई कपड़ा पहन लिया, या फैशन डिजाइनर ने कोई नई बात प्रस्तुत कर दी, दूसरा उसका अनुकरण करने लगे।
यहां अपना विवेक। आपके सवाल का उत्तर केवल एक पंक्ति में हो सकता है, न हमें आधुनिक बनने की बात सोचनी चाहिए ना पारंपरिक मौलिक प्रयास करना चाहिए। मौलिकता को आत्मसात करें। और मैं ये बड़े स्पष्टता से कहना चाहूंगा, न तो आधुनिकता बुरी है और न ही परंपरा अच्छी है, अच्छाई उसी में जिसमें मौलिकता है। अगर मौलिकता से युक्त बात आधुनिकता में भी दिखती है तो हमें उसको अनुकरण करना चाहिए, और परंपरा हमारी मौलिकता को खंडित करती है तो हमें उससे दूरी रखना चाहिए। ओ नमोस्तु गुरुदेव। अग्निबाण पेपर से अपने बीच में सुनील जी जैन, वे अपना प्रश्न रखे। नाम खुद बोलो। गुरुदेव महावीर जैन। महावीर जैन, महावीर जी जैन वहीं आ गए। और वहीं पर नवीन भाई, उनका पीर दुपट्टा के माध्यम से स्वागत अभिनंदन कर दें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं अभय भैया जी, कुछ अपनी घोषणा कर रहे हैं। चिंतन बाकी वाला गुरु वो भी तैयार रहेगा। इसके बाद में गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म व अन्य धर्मों में सभी को श्रीफल चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। गुरुदेव श्रीफल का क्या महत्व होता है और श्रीफल चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है गुरुदेव, ये शंका मेरे मन में है। देखिए श्रीफल एक श्रेष्ठ फल है, सारे फलों में सर्वश्रेष्ठ फल को श्रीफल कहा जाता, और इसे धार्मिक कार्यों में विशेष मंगलकारी रूप में अर्पित किया जाता है, जैन परंपरा में विशेषतया और लगभग सभी परंपराओं में। अब ये श्रीफल क्या है सुनिए, इसे श्रेष्ठ क्यों कहा? सबसे पहली बात तो इस श्रीफल में कृतज्ञता का गुण है। आपको पता है नारियल में पानी क्यों रहता है? एक बार किसी ने पूछा कि तुम अपने सिर पर इतना पानी क्यों लाद रखे हो, नारियल के पेड़ से कहा, तो नारियल ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो मनुष्यों ने मुझे खूब पानी पिलाया, उसके बदौलत मैं बड़ा हुआ। मैं जब बच्चा था तो मनुष्यों ने मुझे खूब पानी पिलाया, उसके बदौलत मैं बड़ा हुआ, उनका कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा है, इसलिए मैंने अमृत तुल्य जल इन कलशों को लेकर अपने सिर पर रखा हूं ताकि वह ऋण चुका सके। ये कृतज्ञता का भाव केवल एक ही फल में है, इसलिए उसका नाम श्रीफल है। नमस्ते। दूसरी बात, वो श्रीफल भेद विज्ञान का भी द्योतक है, जब पक जाता है तो आप देखते हैं उसकी नरेटी अलग होती है और अंदर का गरी गोला अलग होता है, तो जब बताता है ये ऊपर का चोला अलग है भीतर की आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान का द्योतक है, इसलिए श्रीफल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी ग्रुप में जनरल गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अपना प्रश्न और साथ में सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा रजनी जी, रंजन जी, गुणमाला जी, राकेश जी, मुकेश जी, नंदा नगर परिवार इंदौर, व्याय परम पूज मुनि के श्री चौमंदवान के गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे, और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा दिलीप जी गोधा व्याय और सम्मानी निर्माण सारथी वही स्मृति चंदन। दिलीप जी गोधा आएंगे, सम्मानी निर्माण सारथी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, अपना प्रश्न। महाराज श्री आप सबके चरणों में त्रय बार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी इच्छामि। महाराज जी जिस दिन त्याग धर्म था उसी दिन आपके प्रवचन मैंने सुने, और उन प्रवचन में इतना मेरे को ऐसा लगा कि मेरी कोई एक वस्तु में आज त्याग करूं, तो आज के दिन मेरे जीवन साथी से मेरा वियोग हुआ था, तो इसीलिए उस दिन मैंने सोने की बिछिया आज त्याग करने का उसी दिन सोच लिया था, लेकिन त्याग था तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए आज महाराज जी उसकी जो राशि आई है उस राशि को देके हम लोग आज के दिन निर्वाण सारथी बनने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से हुआ। महाराज जी आप सबका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे, नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन बहुत दिन से 4 साल से ही चल रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि ये मेरे जीवन साथी के साथ ही था, क्योंकि उस दिन जिस दिन उनका जिसे किसी व्यक्ति का सीरियस हो रहा है और
उस टाइम सारा परिवार उनके लिए कहीं शांति धारा, कहीं सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों में शांति धारा करवा रहे हैं, कहीं पर उनके लिए गंधोदक बुलवा रहे हैं, कहीं पूजा पाठ जाप तप जो भी सब कर रहे थे महाराज जी, तो वो सारा पुण्य क्या उस व्यक्ति के साथ जाता है क्या, परिवार के द्वारा किया गया सत्कर्म या जो भी धार्मिक कार्य किया है? नमस्ते महाराज जी। पहले तो मैं आपका आशीर्वाद दूंगा कि आपकी श्रद्धा और भावना इसी तरह बनी रहे। नमस्ते। हाँ कर दीजिए, ले लीजिए आप लोग ताली जोरदार बजा दें। देखिए इस तरह से अपने बिछिया उन्होंने ढुनाई तक के लिए देखा रहे, आज निर्माण कार्य के रूप में जुड़ी, बहुत अच्छा। आपने जो सवाल किया कि किसी व्यक्ति के अस्वस्थ और गंभीर शारीरिक स्थिति में उसके निवारण के लिए किए गए धार्मिक अनुष्ठान का पुण्य किसके साथ जाएगा? देखिए दूसरे के लिए हम जो पूजा और प्रार्थना करते हैं वो हम अपने हृदय से सद्भावनाओं को छोड़ते हैं, और हमारे द्वारा प्रेषित सद्भावनाएं कई बार प्रभाव डालती है, प्रार्थना का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है और लोगों के जीवन की सुरक्षा में कारण बन जाते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। हमारे साथ आपत्ति विपत्ति हो हम पूजा प्रार्थना करें, लेकिन यदि पूजा प्रार्थना के बावजूद कोई लाभ न मिले तो हताश न हो। आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन जितने लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं क्या स्वस्थ हो ही जाते हैं? बोलो, नहीं होते हैं महाराज। कुछ गंभीर बीमारियां तो ऐसी जिनके कारण डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वे सुरक्षित नहीं आते हैं। होता है? होता है। तो क्या ऐसा देखकर आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं क्या? नहीं जाते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर कहता है हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी तो अपना अपना भाग है। इसी तरह पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं करो और उसमें कदाचित सफल न भी हो तो हताश मत हो, हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया, बाकी उसका अपना आयु कर्म है। हाँ हमारे संग एक मुनि महाराज थे, उनको कुत्ते ने काट खाया, हाइड्रोफोबिया हो गया। मेडिकल से जुड़े लोग जानते होंगे डॉक्टर साहब, हाइड्रोफोबिया का सिम्टम प्रोड्यूस होने के बाद 72 आवर्स से ज़्यादा आज तक दुनिया में कोई नहीं बचा। कुत्ता काटा था, इग्नोर कर दिया और 4 महीने बाद उसका असर हो गया और बिहार करके कटनी आ रहे थे, हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स आ गए। हम लोग बोहरीबंज में थे, एक दिन में 50 किलोमीटर चल करके गए। सारे त्यागी व्रतियों ने आकर खूब जाप किया, खूब शांति आराधना की, लेकिन बच नहीं पाए। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा मालूम? हाइड्रोफोबिया के जितने सिम्टम्स दिखते थे एक भी नहीं दिखे, और मेरे सामने उनके प्राण निकले आनंद के साथ, भेद विज्ञान समता के साथ। कहते हाइड्रोफोबिया आने के लिए पानी की तरफ भागता है, काटने के लिए बोलता है, कुत्ते की तरफ भोंकता, कुछ नहीं। सारे डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमारी सद्भावनाओं से और कुछ हो या ना हो, सामने वाले को शांति जरूर मिल सकती है, इसका हम ध्यान रखें। अपने बीच में आज दैनिक भास्कर समूह से चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और लोग भी आज हैं, अनिल जी और लोग, हाँ अनिल सीए जी, अनिल सीए भी साथ में हैं, और आ जाए वे अपना प्रश्न जो भी पूरी टीम के साथ में आ जाए। चौहान जी, राहुल स्पॉट आप बोल दो, वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। आप बोलो हाँ, इसके बाद चिंता हमारे बीच उसके बाद में अंत में चिंता। श्रीमान दीपक जी, किशोर चौहान जी, ओम चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, विशेष प्रयोजन के साथ गुरुवार के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, और इनके सम्मान की आवाज दूंगा हमारे सीए साहब अनिल जी और राहुल जी, और साथ में कमेटी के पदाधिकारी भी यहाँ पर आ जावे। हाँ आप सवाल कर लीजिए चौहान जी, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में चिंतन बाकी वाला अपनी टीम के साथ में। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्तुते। गुरु जी मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा आध्यात्मिक तो है ही,
साथ में जीवन और मरण से परे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों की बात की गई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है या फिर इंसान को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है अगर वो हैं, या उसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो मनुष्य जन्म क्या ये जो जिसमें अभी हम जी रहे हैं वो अंतिम है या फिर और भी भविष्य में कोई संभावना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक पुनर्जन्म का सवाल है तो भाई जन्म है मरण है तो जन्म तो होगा ही। जस नत्थी पुरो पच्छा तस्स मज्जो कुवासिया, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे हो सकता है। तो आज हम जन्मे तो कहीं से मर के आए, हम मरेंगे तो कहीं ना कहीं जन्मेंगे। अब कहाँ जन्मेंगे तो संसार में जन्मेंगे, संसार में कहाँ जन्मेंगे 84 लाख योनियों में जन्म। अब आपका सवाल है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि क्या अंतिम है? नहीं, मनुष्य योनि अंतिम नहीं, उत्कृष्ट है। और जब हम कुछ विशिष्ट पुण्य अर्जित करते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसलिए कहा। लेकिन ऐसा मत समझना कि हम मनुष्य एक ही बार बने, हम अनंतों बार मनुष्य बन चुके। लेकिन मनुष्य बनने के बाद जिसकी आध्यात्मिक चेतना जागती है वे ही भाव भ्रमण से बच पाते हैं, बाकी सभी संसार सागर में गोते लगा। चिंतन बट दीपक जी पूछेंगे। दीपक, हाँ दीपक, एक प्रश्न दीपक जी क्या। समस्त गुरु जी को मेरा प्रणाम। मेरा बस सवाल था गुरु जी कि मनुष्य के जीवन में कर्म जो है वो किस भांति, उस कर्म से इंसान को मनुष्य को बेसिकली आकार मिलता है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। देखिए, कर्म की अपनी एक प्रक्रिया है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड है। ऐसे हम प्रतिपल मन से, वचनों से, शरीर से कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन हो, उस वाइब्रेशन के प्रभाव से हमारे इर्द गिर्द कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं, आकर्षित हो जाते और वो हमारी आत्मा में चिपट जाते, जो हमारी आत्मा के संस्कार बनकर आत्मा से जुड़ते हैं और कालांतर में वे ही हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करते, जो कर्म कहलाता है। तो जो हम संस्कार अपनी चेतना में जमा लेते हैं वही हमारा कर्म बनकर भावी जीवन को आकार देता है। इसलिए हम अपने कर्म को सुधारना चाहते हैं तो प्रवृत्तियों को सुधारें। जब हमारी प्रवृत्ति सुधरती है तभी परिणति सुधरती है। धन्यवाद गुरु। चिंतन जी, एक एक ओम जी। हाँ गुरुदेव, मेरा ये सवाल है, एक जीवन में कर्म होता है, धर्म होता है, दान होता है और मोक्ष होता है। ये तीनों चीज तो समझ में आती है, मोक्ष कब मिलता है और ये क्या होता है गुरु जी? देखिए, मोक्ष है क्या? मोक्ष का मतलब छुटकारा। छुटकारा किससे? जिससे हम बंधे हैं। हम बंधे किससे? कर्मों से बंधे हैं, जो हमारी चेतना को परतंत्र करती है। और इन चेतनाओं की, चेतना की परतंत्रता के कारण हमारी सारी आत्मशक्तियां कुंठित हो गई। जब तक वो कर्म हमारी आत्मा से जुड़ा है तब तक बंधन है, संसार है। जब उसे खत्म कर दिया, मुक्ति। तो मुक्ति और कुछ नहीं, अपनी आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण ही मोक्ष है। समझ गए? हम लोग जो साधना करते हैं वो वही एक प्रक्रिया है, जैसे सोने के ओर को प्रोसेस करके तपाया गलाया जाता है, उसकी सारी कालीमा किट्टिमा अलग हो जाती है, फिर जो सोना निकलता है वो 24 कैरेट या 100 टन सोना होता है। तो मोक्ष आत्मा को 100 टन सोना बनाने की प्रक्रिया है, अपने अंतस की कालीमा किट्टिमा को विनष्ट करने की प्रक्रिया। ओ चिंतन, बाकी वाला एक बार गुरु के साथ में और उसके बाद में लास्ट। नमोस्तु गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नमोस्तु। संतान सागर महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। कल संतान सागर जी महाराज का अवतरण दिवस था, कुछ पंक्तियां जो मैंने गाई हैं वो मैं श्री चरणों में प्रेषित करना चाहता हूँ एक मिनट के अंदर।
बिना बारा तीर्थ पर दीक्षा है धरी, मोह की काली घटा दिल से है छटी, संयम का पथ तुमने स्वीकार कर लिया, विद्या सागर में समर्पण कर दिया, मोक्ष का संधान तुमने है पा लिया, प्रमाण सागर में समर्पण कर दिया, ज्ञान की ज्योति अगर जिसको है मिली, अनुभव की सौरभ कली जिसको है खिली, प्रमाण का जीवन अनोखा जो जिया, प्रमाण सागर में समर्पण कर दिया। गुरुदेव, इसी के साथ एक प्रश्न है, कल जो घटना घटी जिसमें शंका समाधान पूरा नहीं हो पाया कि कुछ परिंदे और कुछ जीव जो आ गए और उसके कारण शंका समाधान बीच में ही रोकना पड़ा, तो वो तो अपनी आयु के अपने जन्म के हिसाब से, मतलब उनका आयु के हिसाब से जन्म लेते हैं और स्वतः ही उनको उनकी उनका मरण प्राप्त होता है, उसमें हमें हम सबको दोष कैसे क्या क्यों लगता है? देखिए, जो जन्मे मरे अपने निमित्त से जन्मे मरे वो अपनी जगह है, लेकिन किसी के जन्म मरण में हम निमित्त बने ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम मुझे एक भी दिख जाते हैं तो मैं तुरंत कार्यक्रम रोक देता हूं, और इसीलिए आज कार्यक्रम को हमने पहले से किया और ये हर साल होता है, 10-5 दिन ऐसे ही करना पड़ता है, इसलिए जो हमने कार्यक्रम का समय परिवर्तित किया है, अगली सूचना तक ये समय ऐसे ही चलेगा। आज आपने बहुत अच्छी पंक्तियाँ महाराज श्री के लिए बोली, एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। बंधु, आने वाले अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है, आप सब लोगों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, और मंडल तो पूरे सुनिश्चित हो गए, बहुत सारे वेटिंग है, लेकिन जिन लोगों को मंडलों में का सुअवसर, उनको मंडप में आने का मौका मिल रहा है, और मैं तो समझूंगा भाग्यशाली है कि एक मंडल की जगह 108 मंडलों में उनको रहने का मौका मिलेगा। तो जिन्हें नहीं मिल पाया या जो अवसर लेना चाहते हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान सुरक्षित कराएं, ताकि मंडलों का लाभ ले विधान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आनंद ले सके। ये ऐतिहासिक आयोजन आपके इंदौर नगर में पहली बार होने जा रहा है, और इस पूरे विधान के बाद 108 रथ यात्रा का आयोजन ये भी पहली बार होने जा रहा है, इसलिए जो भी इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं वे शीघ्रातिशीघ्र, जो 30 तारीख तक का समय आपको दिया गया है, उसमें अपना स्थान सुनिश्चित करें, ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। और बाकी सूचना अभय भैया देंगे, और कल से प्रातःकाल प्रवचन की एक अलग धारा, आध्यात्मिक धारा, भक्ति की गंगा में प्रवाहित होने के लिए हम भक्तामर गंगा में अवगाहित होंगे, और मैं सभी से कहता हूँ ये प्रवचन आप समय पर आकर सुने। भक्तामर स्तोत्र का आध्यात्मिक विवेचन, जीवन स्पर्शी विवेचन आप सबको सुनना है, तो आपको समय पर आना होगा। इसमें थोड़ा भी विलम्ब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएगी, इसलिए कल से होने वाले इस लाभ को आप जरूर उसका लाभ उठाएं, इसे न खोएं। आगे बोलो सर। की सूचना है, मंडल नहीं मिल पाया लेकिन मंडप में इंद्रनाड़ी के रूप में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आवास व्यवस्था सहित राशि 31,000 रुपये की राशि है, जिस वस्त्र आदि कमेटी व्यवस्था कमेटी के द्वारा, आवास व्यवस्था कमेटी के द्वारा दी जाएगी, और आवास व्यवस्था से रहित जो इंद्रनाड़ी के रूप में इस मंडल में सम्मिलित होना चाहते हैं, मात्र 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 30 सितंबर अंतिम तिथि है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप ऑनलाइन के लिए प्रमाणिक ऐप में रजिस्ट्रेशन करा के आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन में आप और परम पूज मंदिर का साहित्य आज भी 50% डिस्काउंट में साहित्य केंद्र उपलब्ध है, आप साहित्य का अवलोकन करके आप अपने लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों को गिफ्ट में देने के लिए अवश्य प्राप्त करें।